इसलिए मैं पूछा था, अभी मुझे आप मिल गए, मुझे अभी आप मुझे मिल गए वो मुझे, तो आगे कुछ काम बढ़ेगा हमारा। बिल्कुल 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 सर, 100% मेरा मोटिव भी, हमारा मोटिव भी वही है सर। प्रोडक्ट है मेरे पास, वो सर लुब्रिकेट है मेरे पास, अनंत प्रोडक्ट आया मेरे पास रिटर्न में, स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे ब्रेव सेलर सीरीज को इतना ज्यादा प्यार दिया है और हमारे सारे वीडियोस पे आप अपने व्यूज दे रहे हैं, आप अपने लाइक्स दे रहे हैं, बट कमेंट्स कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन करें ताकि हमको ये पता चले कि ब्रेव सेलर सीरीज में हम किस किस पॉइंट पे बेटर कर सकते हैं। सो आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जहां पे एक और सेलर से उनका ऑनलाइन एक्सपीरियंस हम समझना चाहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन चैनल पे स्वागत करता हूं, चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो व्यूअर्स धन्यवाद, आपने पिछले ब्रेव सेलर सीरीज के सारे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, हम देख रहे हैं हमारे सारे वीडियोस पे आपका प्यार आ रहा है, व्यूज बढ़ रहा है, इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि सक्सेसफुल चल रहा है, तो उसी को मोटिवेट करने के लिए हम एक और ब्रेव सेलर सीरीज के साथ आए, मोहम्मद हनीफ सर के साथ, जिनका अमेजोन पे स्टोर नेम लैपी स्टोर है। आइए इनसे बात करते हैं और इनके ऑनलाइन जर्नी के बारे में बात करते हैं कि कैसा रहा, ताकि आप भी अगर एक सेलर बनना चाहते हैं ऑनलाइन इंडस्ट्री पे तो आप एक सक्सेसफुल सेलर बन सके। तो सबसे पहले सर वेलकम टू आवर बिग फैक्शन चैनल, एंड सबसे पहले अपना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड सर तो जैसे कि आपका लैपी स्टोर में बैकग्राउंड में भी दिख रहा है सर आपका स्टोर नेम जो है, तो सर आप सबसे पहला सवाल मेरा यही है सर आपसे कि आप अपने ऑनलाइन जर्नी कब स्टार्ट किया सर, और मोटिवेशन कैसे आया ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करने के लिए? ओके सर, क्या मैंने मेरे अकाउंट में एक मेल आया था मेरे ऊपर जी सर, अकाउंट ओपन करने के लिए मेरे लिए। ओके, तो मैंने अकाउंट ओपन किया था मैंने, और लगातार मैं काम कर रहा था इसके अंदर, फिर कुछ इसमें वायरस आ गया था इसके अंदर कुछ, और बाद में मैं आपसे जुड़ा था, मैं आपके लिए हूँ। ओके सर, तो आपने किस साल में शुरू किया ये? 2022 को, 2022 मार्च महीने में। अच्छा, तो आपकी कैटेगरी कौन सी है सर? कंप्यूटर लैपटॉप पार्ट्स, मतलब लैपटॉप एंड एक्सेसरीज, राइट सर? कंप्यूटर एक्सेसरीज, कंप्यूटर पार्ट्स, हार्ड डिस्क, एलईडी, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, इटीसी। ओके ओके सर, और प्लेटफॉर्म किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है सर आप? नहीं, ओनली अमेज़न अवेलेबल में भी हूँ। ओके, और ऑफलाइन कर रहा बिजनेस में, ऑफलाइन कर रहा बिजनेस में भी। सो ऑफलाइन पहले सर बिजनेस था सर आपका, क्या अभी आपने स्टार्ट किया? था 10 साल हो गए मेरे हूँ ऑफलाइन बिजनेस करते हुए। सो मैं ये मान सकता हूँ कि ऑनलाइन भी सेम कैटेगरी जाने का रीजन भी ये है कि अब ऑफलाइन में इतना पहले से एस्टेब्लिश्ड है, तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट प्रोक्योरिंग रेंज इसमें ज्यादा आपको इश्यू नहीं हुई, इसी वजह से सर आप ऑनलाइन भी इसी कैटेगरी में चले गए। जी हाँ जी हाँ, दूसरा क्या था कि मुझे कोई बगैर वाला कोई था नहीं, कोई मुझे कोई हूँ कि मुझे कैसे इसको हैंडल करना है इसको। अच्छा, इसलिए मैं पूछा था, अभी मुझे आप मिल गए मुझे, अभी आप मुझे मिल गए वो मुझे, तो आगे कुछ काम बढ़ेगा हमारा। बिल्कुल 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 सर, 100% मेरा मोटिव भी, हमारा मोटिव भी वही है सर। तो एक इसी पे सवाल आने वाला है सर अगला, कि आपने जब अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया सर, तो पेन पॉइंट या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहे सर आपके लिए? वो सर क्या था कि मैंने मेरे एंड से एक कैटेगरी मैंने अपलोड कर दी थी, मैंने एक इन्वेंटरी कर दी थी मैंने, जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेरे पास था नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट था नहीं मेरे पास, जैसे कि ब्रांड ऑथराइजेशन नहीं था मेरे पास, बिल था मेरे पास, इनवॉइस था मेरे पास जी, लेकिन वो क्या हुआ कि वो इनवॉइस नहीं, वो इसने गिना, उसने बोला कि ये इनवॉइस वेरीफाइबल नहीं है, ऐसे बोलते उसने चेक किया था मेरा अकाउंट, और मेरा अकाउंट सस्पेंड किया था इसके अंदर। फिर अमेजन में एड के द्वारा मुझे आपका नंबर मिला, मुझे बिग फैक्शन के ओर से मुझे, कि आप प्लान ऑफ एक्शन थ्रू अपने अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं आप इस पार्टी से। फिर मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, आपके मैडम से कॉन्टेक्ट किया, सब कुछ हुआ, अभी अकाउंट मेरा फिर से एक्टिव हो गया था मेरा। ओके, सो एक बहुत ही अहम सवाल सर, कंप्यूटर एंड लैपटॉप की कैटेगरी में, एसेसरीज की कैटेगरी में काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स रेंज है,
तो आप जब इन्वेंट्री ऐड करते हैं सर, तो आपका प्रोसेस क्या रहता है इन्वेंट्री को ऐड करने के लिए या एक डिसीजन पे आने के लिए कि इसको भी ऑनलाइन सेल करते हैं? निश्चित वो ऐसा था कि मैं सिर्फ यूं ही के कोई भी सर्च करता, प्रोडक्ट सर्च करता था मैं कोई भी में, और डायरेक्ट में मैपिंग करता था, डायरेक्ट मैपिंग में डायरेक्ट जी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट था ही नहीं मुझे, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं सब कुछ इजी होगा, मुझे क्या लगा मुझे क्या अपना सब कुछ इजी होगा, सिलेक्ट किया मैंने, एक्टिव किया, हो गया, सिलेक्ट किया, एक्टिव किया, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे किया। अभी कुछ प्रोसेस में चेंज लाए हैं सर इन्वेंटरी ऐड करने के लिए? अभी मैंने ऐड किया ही नहीं, अभी मैंने कहा मैडम को, बोला था मैडम को मैंने कि आप ही मेरा अकाउंट हैंडल करो, उसको मैंने पेमेंट भी पे कर दिया मैंने उसको 3 महीने वाला जी सर, एडवांस बुकिंग वाला। मैंने कहा अभी इसको हैंडल करो, मैंने कहा हूं जी सर प्रॉपरली नियम के अनुसार। तो जो नियम है, जो पॉलिसीज है मैपिंग के लिए, बहुत जरूरी होती है कि आप उसी ब्रांड को मैप करें जिसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो, ऑथराइजेशन लेटर हो। अदरवाइज क्या होगा कि कोई एक कंप्लेंट पे आपके अकाउंट, या पहले तो एसआईएन सस्पेंड होता है, बट वो कंप्लेंट्स और रेगुलर हो गया तो आपके अकाउंट्स भी सस्पेंड हो जाते हैं सर। और जब अकाउंट सस्पेंड हो गया, पैसा फंस गया तो सामने जिसको भी पे आउट का है, वेंडर है, वेयरहाउस के लिए है, स्टाफ्स को देना है, वो सब बंद हो जाता है। तो सर बिजनेस बंद होना तो बहुत ही खराब चीज होती है। सर इस पे आते हैं पैकेजिंग के पार्ट पे, प्रोडक्ट सेंसिटिव होते हैं सर, पैकेजिंग सही से नहीं किए तो हमें सभी को पता है लॉजिस्टिक्स में बहुत ही बुरी तरीके से प्रोडक्ट हैंडल होते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट ही बहुत सारे होते हैं, वो हम लिख भी देंगे फ्रेजाइल हैंडल विद केयर तब भी नहीं करेंगे। तो चांसेस होते हैं कि रैम्स हो गए, ये सब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हो गए, वो अगर हैवी प्रोडक्ट्स के नीचे हो गए तो वो दब के टूट सकते हैं, या हल्का सा डैमेज हो गया पता भी नहीं चलेगा। तो पैकेजिंग को, ये सब चीज को सॉल्व करने के लिए पैकेजिंग पे सर आपने क्या ध्यान रखा? मेरे पास तो बबल रैप के द्वारा मैं इसको मैं पैकिंग करता था। आप देख लीजिए अकाउंट मेरा चेक करना, आप मुझे एचपी वायरस नहीं हुआ था मेरा, हूँ नहीं मुझे कोई प्रोडक्ट डैमेज हुई थी मेरी, शिप पे कैसा होता मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही चांस था मेरा जिसके लिए अकाउंट मेरा बंद हुआ था वायरस के हिसाब से। okay. मेरा प्रोडक्ट बिल मेरे पास एक प्रोडक्ट का, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का, जिसका मुझे ऑर्डर भी नहीं मिला था उसका मुझे। ओके बाकी कोई भी वायरस मेरे ऊपर नहीं था। मैं पपड़ बबल रैप में पैक करता था उसको, मैं पैकिंग करता था, मैं बॉक्स था मेरे पास अमेजोन का, डर गया मैं इसको, मैं हूँ ओके। सर तो एक और इस पे, इसी सवाल को मैं फॉलोअप पे लाऊंगा कि आपने बताया कि आप बबल रैप और ये सब अच्छे से यूज करते हैं ताकि प्रोडक्ट्स डैमेज नहीं हो, फिर भी अगर आपको क्या लगता है कि प्रोडक्ट्स सेफली बायर्स तक पहुंच जाते हैं कि अभी और भी पैकेजिंग पे ध्यान रखना चाहिए? अभी तक कोई कुछ इशू हुआ नहीं, अभी कोई मुझे कोई ऐसा कुछ मुझे कोई अगर कुछ होगा तो मैं मैडम से पूछूंगा एक बार, मैडम से मैं कि भाई अब इसको क्या काम करें, इसके लिए मैं हूँ। अब मैं काफी केयरफुल हो गया हूँ मैं, इसलिए मैंने आपका वो पैकेजिंग मैंने लिया है मैंने। जी 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 एक जैसे कि इन्वेंट्री पे बात किए सर, पैकेजिंग पे बात किए, कैटेगरी पे बात की, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सर रिटर्न्स पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि रिटर्न्स पे एक्सपीरियंस कैसा आपका? कभी कभार लोग नया प्रोडक्ट यूज लेके अपना डैमेज प्रोडक्ट वापस कर देते हैं, या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट चेंज हो गया, या ऑल टुगेदर प्रोडक्ट ही नहीं रहता, आपका क्या एक्सपीरियंस है रिटर्न्स को लेके? ये भी प्रोडक्ट है इट्स मेरे पास, वो ज्यादा सर लुब्रिकेट है मेरे पास, अनंत प्रोडक्ट आया मेरे पास रिटर्न में, समझे के बिल्कुल प्रोडक्ट मेरे रिटर्न आए थे मेरे सभी लुब्रिकेट, मैंने भेजा होगा वो इंटर मैंने सामने से आया होगा एसएमपीएस बंद, करेक्ट, मैंने भेजा होगा मदर बोर्ड आया होगा, रैम आई होगी बंद वो भी, इसके लिए मैं सेफ्टी क्लेम में करता था मैं सेफ्टी क्लेम, तो वो कभी कभार वो सेफ्टी क्लेम पास भी होता था, कभी कभार पास नहीं होता था सेफ्टी क्लेम जी। तो सेफ्टी क्लेम एक्सपीरियंस काफी बेस्ट था, तो सेफ्टी क्लेम पास नहीं हुआ सर तो लॉस हो गया आपको, सही बात है। ओके सर इसी पे मैं आगे से फॉलोअप लूंगा कि ये जो इस तरह के से प्रॉब्लम्स आती है रिटर्न्स पे, क्या इससे बिजनेस या फिर प्रॉफिट बनाने में कितना ज़्यादा ये हैम्पर कर जाता है? मार्जिन इतने है 20% हमारा मार्जिन सिर्फ, बिल्कुल। तो इसका ये मतलब कम से कम 5-6 प्रोडक्ट जो मैंने बेचा उसका वो लॉस की वजह से वो 5-6 प्रोडक्ट का प्रॉफिट वो खा गया। तो मेरा वही सवाल मैं आपसे बोल रहा था कि मतलब कि 5-6 प्रोडक्ट जो आपने सेल किए हैं जो रिसीव हो चुके कस्टमर को, वो जो रिटर्न में जो लॉस हो गया वो 5-6 प्रोडक्ट का ऑर्डर का प्रॉफिट वो खा गया। सो हम लोग बात कर रहे थे यही रिटर्न्स पे, मेरा यही स्टेटमेंट था कि मतलब कि एक
हाँ कि सेफ्टी क्लेम में एक बार अप्रूवल लिया है तो शायद वो हमारा 5-6 प्रोडक्ट्स का जो सक्सेसफुल ऑर्डर का है वो प्रॉफिट मार्जिन वो खा गया। करेक्ट सर। ऑल्सो अगला सवाल मेरा इस पे कि जब आप सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं, आपका जो स्टोर है मैं देख रहा हूँ लैपी फ्रंट, तो इसको एक सक्सेसफुल वेबसाइट की तरह पे बिल्ड करना आप चाह रहे हैं? हाँ करेंगे। ओके मतलब कि वेबसाइट के बारे में क्या सोचे सर, क्या थॉट प्रोसेस है? सर अभी तो ऐसा है कि अभी ऐसा कुछ सजा नहीं है मैंने अभी कुछ ऐसा कुछ अभी हमने कभी मैं वेबसाइट में बनाऊ में क्योंकि तो मेरा जो यहाँ पे जो ना सिटी वो काफी दूर है, यहाँ पे मल्टी सिटी है, हम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जी। ठीक है ओके। अभी कोई ऐसा कुछ सोचा नहीं, अभी ऐसा कुछ हमने कि कुछ मैं वेबसाइट करूँ मैं कुछ में आगे मेरे विचार है आगे मेरा कि मैं वेबसाइट में डेवलप करूँ मैं खुद की में और सेलिंग करूँ मैं ऑनलाइन खुद के रिगार्डिंग। ओके ठीक है सर। इस पे एक एक और सवाल पूछना चाहेंगे आपसे कि जब लॉकडाउन हो लगा था तो आपको क्या लगा ई कॉमर्स जब जो इंडस्ट्री है उसको लॉकडाउन होने की वजह से कुछ हेल्प मिला सर? स्पेशल ऐसा था कि लॉकडाउन के बाद मैंने अकाउंट ओपन किया मैंने हूं सर अकाउंट। जी जी सर। तो इसका आईडिया कुछ नहीं मुझे। ओके सर इस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स रेंज भी बहुत है, हर बार नया नया टेक्नोलॉजी आ जाता है, नया प्रोडक्ट्स आता है, तो उसको अपडेटेड रहने के लिए सर आप क्या प्रैक्टिस करते हैं कि नए नए प्रोडक्ट्स से हम जुड़े रहें? सर वो तो क्या कि हम तो पहले से एटी में जुड़ा हूं मैं 10 साल से मैं, तो सब प्रोडक्ट के बारे में मेल तो आते हैं मेल आते हैं व्हाट्सएप आता है मैं सब कुछ मैंने तो मैं सब कुछ मैं सेल देख कर रहा हूँ मैं वेबसाइट के ऊपर। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, एलईडी है, प्रिंटर है, तो तब अपडेट होते हैं मैं ऑनलाइन वेबसाइट थ्रू या व्हाट्सएप थ्रू ठीक है। हाँ सर आप ऑफलाइन प्लेयर तो बहुत पहले से हैं सर, ऑनलाइन में आप नया आए हैं, तो फ्यूचर में सर आप ऑनलाइन को कैसे देखते हैं, अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव में, अपना करियर पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं सर? तो देखो तीन महीने मैंने काम किया था मैंने अभी इससे पहले तो सेलिंग में अच्छा था, सेलिंग में रहा हूँ, सेलिंग काफी बढ़िया था मेरा। और क्या है कि 7 दिन में पैसे आ जाते हैं में ना, और देने पड़ते कस्टमर को ना, कस्टमर को मिलना जाना पड़ता है मुझे, तो मुझे तो अच्छा लगा मुझे शेयर परफॉर्मेंस क्योंकि वजन में बेचना काफी सही है, काफी सही है। अगर अच्छा मुझे मिल जाए कुछ सपोर्ट, जैसे आप मुझे मिल गए सपोर्ट मुझे अच्छा सपोर्ट अगर मुझे मिल जाए मुझे तो मुझे तो काफी खुश होगी बेचने में अमेजन में या फिर ऑनलाइन सेलिंग करने में। मेरे पास टाइम नहीं है पॉलिसी पढ़ना, टाइम नहीं है मेरे, मेरे पास पॉलिसी कैसे हैंडल करते हैं ऐसा टाइम मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने आपको हायर किया है मैंने, क्योंकि आप पॉलिसी पढ़ के काम करेंगे और मैं सिर्फ सेल करूंगा। बिल्कुल, तो ये जुगलबंदी बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल सर। सर एक लास्ट सवाल सर आपसे, सिर्फ अमेजोन पे ही क्यों सेल कर रहे हैं सर, और भी पोर्टल्स हैं, तो क्या रीजन है दूसरे पोर्टल्स पे नहीं जाने का? नहीं सर उससे तो ऐसा कि मुझे अभी तक कहीं गया नहीं हूं मैं, किसी में भी हूँ। अच्छा ट्राई नहीं किया? ट्राई नहीं किया मैंने, अमेजोन में ट्राई इसी लगा मुझे, अमेजोन में बाकी और अमेजोन में मुझे इसी लगा मुझे अमेजोन के अंदर। अच्छा अच्छा बिकॉज फ्लिपकार्ट मैंने लग गए हमारे ये सब करने में जी, फाइनली हो गया ओपन, अच्छी बात है। अच्छा लाइक फ्लिपकार्ट भी सर एक मार्केट लीडर है इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में, तो फ्लिपकार्ट भी क्यों नहीं ट्राई किया सर आपने? नहीं सर उसमें मैं ट्राई किया था मैंने, लेकिन उसमें भी मेरा मुझे वायरस मुझे मिला इसके अंदर। अच्छा। उसमें भी मैंने गलती से वो प्रोडक्ट मैंने पेप कर दिया था मैंने किसी और प्रोडक्ट, तो फ्लिपकार्ट के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो एक बार उनको प्रॉब्लम आ गया तो फिर वो अकाउंट का रीन स्टेटमेंट को उतना चांस देते भी नहीं है सर। वही इसमें हूँ जी जी। सो सर धन्यवाद इतना समय देने के लिए और टाइम निकाल के बात करने के लिए सर, उम्मीद करता हूँ जरूर अगली बार भी मिलेंगे सर और इतने अच्छे से बातें करेंगे सर, बट आज के लिए धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका आज ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर आपको हमारे वीडियोस में कुछ कमी लगती है या लगता है कि ये फीचर हमें ऐड करना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हम आपके कमेंट्स पे वर्क जरूर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे बिग फैक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, सबसे पहले हमारे बिग फैक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।
थैंक यू।